A very good morning, students. Today our topic integral version of gamma function. कि क्या है जो गामा फंक्शन आप निकाल चुके हो इससे पहले, वो कह रहा है कि ये वाला क्या करना है, इसका इंटीग्रल वर्जन में करना है. ठीक है, इंटीग्रल में वर्जन करेंगे इस गामा फंक्शन का. तो वो क्या आपके पास कि आपको प्रूव करना है गामा ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस में टी टी के पावर जेड माइनस वन डी टी. वो रियल ऑफ जेड आपका पहले ही दे रखा है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो. अब ये सारी चीज़ प्रूव करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम ले रहे हैं, आपको ये पता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी गई है वन माइनस में टी बाई में एन की पावर एन करोगे तो ये आपकी किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर माइनस टी के इक्वल है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो से एन तक. ठीक है, ये एन आपका कौन सा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो से एन वन माइनस में टी की पावर एन, यानी यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये वाला, इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों को. यही फॉर्म हमने यहाँ पे लिए कि आपने कहा है कि फॉर रियल जेड ग्रेटर देन जीरो वी हैव जीरो से एन वन माइनस में टी बाई में एन की पावर एन, फिर आपका जो बाकी बच गया टी टी इंटू में टी जेड माइनस वन डी टी. आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. अब फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, यानी आपके पास यहाँ से ये आ गया जीरो से एन है वन माइनस में टी वाई में एन की पावर एन हो गई और टी की पावर जेड माइनस वन इंटू में डी टी. ठीक है, ये आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये आपने सेकेंड मान लिया. तो आपके पास इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ वन माइनस में टी वाई में एन की पावर एन, सेकेंड का क्या, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, टी जेड वाई में जेड और आपकी जो लिमिट है कहाँ से, जीरो से एन तक जो आपकी. फिर माइनस में इंटीग्रेशन जीरो से एन, फर्स्ट वाली टर्म का क्या होता है आपका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एन इंटू में वन माइनस टी बाई एन की पावर एन माइनस वन. फिर टी के साथ है माइनस में, ये आपके पास फिर से क्या हो जाएगा माइनस में वन बाई में एन. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका इस वाले का इंटीग्रेशन, वो आपके पास क्या आ जाएगा, टी की पावर जेड बाई में जेड. ठीक है, यहाँ से ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसमें वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट. जैसे अपर लिमिट रखी आपने वन माइनस में एन बाई में एन की पावर एन, ये कैंसिल आउट होके वन, वन माइनस वन जीरो, तो आपकी अपर लिमिट क्या बन गई, जीरो. जब लोअर लिमिट रखोगे इसमें, लोअर लिमिट में आपका क्या है, वन माइनस में टी की बजाय यहाँ पे जीरो रखोगे, ये आ जाएगा जीरो की पावर एन और इन टू में क्या आ गया, जीरो. ठीक है, तो जीरो माइनस में जीरो, ये आपके पास क्या हो गई, कंप्लीट जीरो. सिर्फ आपकी टर्म कौन सी बचेगी, ये वाली. ठीक है, यही आपके गिवन है कि आपके पास क्या हो गई, आपकी टर्म क्या बच गई, वन बाई जेड एन बाई में एन जीरो से एन, जीरो से एन वन माइनस में टी की पावर एन, एन माइनस वन टी की पावर जेड इंटू में डी टी. फिर इसका फिर से हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, वही है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट. वन बाई जेड एन बाई एन को एक साइड में आपने रख लिया, उसके बाद फर्स्ट इंटू फर्स्ट पार्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में वही में है, यानी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगा दोगे आप इसके, तो आपके पास लास्ट में इसमें फिर देखो आपके पास क्या रह गया, सभी से कॉमन है वन बाई जेड एन बाई में एन, क्योंकि ये इसके साथ में है. ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे लिमिट पुटअप करोगे, अपर लिमिट पुटअप करोगे एन बाई में एन, फिर से वही वन माइनस में वन वाला केस बन जाएगा, यानी जीरो, तो अपर लिमिट जीरो. फिर लोअर पुटअप करोगे तो ये टी क्या हो जाएगा, जीरो, वन की पावर एन माइनस वन इंटू में जीरो, फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये कंप्लीट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो. जब ये टर्म जीरो हो रही तो फिर आपके पास क्या, सिर्फ ये टर्म बच गई. अब इस टर्म में देखो आपके पास क्या रहा है, एन माइनस वन है. ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे, माइनस में वन बाई में एन है, तो कंप्लीट यहाँ से आपके पास क्या बन के आ जाएगा, माइनस में एन माइनस वन बाई में एन कर सकते हो. ठीक है, ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा. आपके पास फिर क्या है, जेड प्लस में वन, इसको भी बाहर ले आओ. सिर्फ इंटीग्रेशन में ये रखो जीरो से एन वन माइनस में टी बाई में एन, इनकी जितनी भी पावर रहती है वो वाली पावर रखो, वो सबको एक साइड में रख दो. ठीक है, ऑलरेडी आपके पास क्या था, वन बाई में जेड और एन बाई में एन, ये आपके पास ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, सबसे पहले वाले इंटीग्रेशन किया था उस टाइम के ऊपर, तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई है. अब हम कह रहे हैं कि इसके बाद फिर से इंटीग्रेट करोगे. ठीक है, और आप इंटीग्रेट करते रहोगे तो आपके पास लास्ट में क्या रहा है, इसकी पावर क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये n, n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरीके से लास्ट में कहाँ तक जाएगा, वन तक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपका कंटिन्यू क्या हो जाएगा, ये n है यहाँ पे, n माइनस वन, n माइनस टू, और आपका कंटिन्यू कहाँ से, टू इंटू वन तक। नीचे आपका z, z प्लस वन आ चुका है, इसी तरीके से z प्लस टू आपका, और कहाँ तक जाएगा, z प्लस में n माइनस वन तक, ठीक है। क्योंकि टोटल टर्म कितनी है, जीरो से n, n टर्म है आपकी, ठीक है, यानी जीरो से n तक n टर्म है। तो आपके पास जीरो माइनस वन टू आपके कहाँ तक लास्ट में, यानी ये इन टर्म्स को काउंट करोगे तो ये भी आपकी कितनी है, एन टर्म्स है, यहाँ तक चला जाएगा आपका। अब आपको पता है एन बाई एन, जब एन माइनस टू तक ही था तो आपके पास एन स्क्वेयर आ गया था, ठीक है। ये भी एन हर एक के नीचे आएगा, इस एन के नीचे भी एन है, इसके नीचे भी एन है, इसके नीचे भी एन है, टू बाई में भी एन है और वन बाई में भी एन आएगा। तो आपके पास ये कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। तो नीचे जो एन है इसकी भी कितनी पावर हो जाएगी, आपके पास एन पावर, ठीक है। और इंटीग्रेशन में आपका जीरो से एन, अब टी की पावर जेड प्लस में एन माइनस वन तक, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, एक टाइम के बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म हुआ, वो वैल्यू आपने यहाँ पे रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या एन माइनस वन और यहाँ पे क्या एन माइनस टू, आपका यहाँ पे क्या आ गया, वन, ठीक है, यानी इसमें से एक कम है। वन माइनस में वन करोगे तो क्या हो गया, जीरो, इसकी पावर जीरो करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, वन। तो यानी ये आपका एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा और आपके पास लास्ट में टर्म क्या रह जाएगी, सिर्फ ओनली ये वाली, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब इसका फिर से आप क्या, अब आपके पास ओनली टी की पावर है, इसका इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन तक है तो टी की पावर जेड प्लस में एन बाई में जेड प्लस एन, कहाँ से, जीरो से एन तक है आपकी वैल्यू। टी में आप वैल्यू पुट अप कर दो इसकी, जीरो से एन तक, एक बार तो आपकी क्या हो जाएगी, एन की पावर क्या है, जेड प्लस में एन, ठीक है। नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन, यानी आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू रख दी, t की जगह क्या रखोगे, n, तो n z प्लस n बाई में 2n। फिर आपके पास क्या है, जीरो, वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसने यही रख रखी है आपकी n की पावर z प्लस में n, और नीचे आपका ये इसने z प्लस में n ही छोड़ दिया, सॉरी नीचे नहीं आएगा आपका, क्योंकि नीचे आपका क्या है, z है, t नहीं है, तो ये सिर्फ क्या रहेगा आपका, z प्लस में n। अब आपकी ये टर्म्स कितनी थी, z, z प्लस वन, z प्लस टू, z प्लस में n माइनस वन तक, और यहाँ पे क्या आ गई, z प्लस में n। अब आपके पास n फैक्टोरियल है, ये टर्म्स है, वन बाई में एन की पावर एन आपकी ये वाली टर्म्स आ गई थी, ठीक है, और यहाँ पे एन की पावर क्या है, जेड प्लस में एन, तो इसको क्या लिख सकते हो, एन की पावर जेड इंटू में एन की पावर एन, नीचे एन की पावर एन है, कैंसिल आउट होके यहाँ से सिर्फ क्या बचेगी, एन की पावर जेड। देखो एन फैक्टोरियल जेड, जेड प्लस वन, जेड प्लस टू टेंस टू जेड प्लस एन, और एन की पावर आपके पास जेड, ठीक है। आपने ये पहले ही कर चुके हैं कि लिमिट जैसे ही एन की इन्फिनिटी पे जाएगी तो ये वाली आपकी टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस टी। तो जैसे आप स्टार्टिंग में ही लेके चल रहे हो कहाँ तक, ये जीरो से एन तक, तो जब इसको जीरो से एन इन्फिनिटी पे गया तो इसको क्या लिख सकते हो, आपकी क्या हो जाएगी, ये जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस में टी, टी की पावर जेड माइनस वन इंटू में डी टी, ठीक है, यही है आपके पास। इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से आपकी इन्फिनिटी तक, जीरो से आपकी इन्फिनिटी तक, क्योंकि एन आपका कहाँ गया है, इन्फिनिटी पे। तो ये जो आपकी बन गई ई रेज टू पावर माइनस टी की वैल्यू, आप इसमें रखोगे आपकी जो लेके चल रहे हो इसमें, कि आपका ये क्या बन गया, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी, टी की पावर जेड माइनस वन इंटू में डी टी, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ चुकी है, ये आपका क्या है, गामा जेड, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल आ गया, आपके गामा जेड के। और ये देखो, ये आपकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसके ऊपर भी है, क्योंकि दोनों साइड लगाओगे, इसके साइड में, इस साइड में भी, ठीक है, दोनों साइड लगेगी तो इसके ऊपर भी है। तो आपके पास ये भी क्या है, आपने एक गामा फंक्शन की आपने प्रॉपर्टी की है, जिसमें क्या था, रेजिड्यू ऑफ गामा जेड, उसकी इक्वल आई थी ये आपकी, ठीक है। तो आपकी ये वाली किसकी इक्वल आ जाएंगी, ये वाली, यही आपको इंटीग्रल वर्जन में प्रूव करना था कि आपका गामा जेड क्या है, किसकी इक्वल। उसके बाद है रीमान जीटा फंक्शन। रीमान जीटा फंक्शन में क्या है कि आपके पास क्या रहेगा,
रीमान जीटा फंक्शन डिफाइंड कर रखे हैं आपके पास सीरीज से कि रीमान जीटा फंक्शन में क्या रहेंगी सीरीज रहेंगी और सीरीज किस तरीके की रहेगी आपके पास समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एन की पावर माइनस जेड, ये आपके पास क्या है रीमान जीटा फंक्शन। ठीक है, इसको कैसे भी लिख सकते हो आप, ये इसकी नोटेशन है, तो आप इसके वन बाई में एन की वैल्यू आपको क्या रखनी है एन इजिकल टू वन से इन्फिनिटी पूरी जेड, एन की वैल्यू रखते जाओगे वन बाई में वन की पावर जेड प्लस में वन बाई में टू की पावर जेड, इस तरीके से कंटिन्यू कहाँ तक वन बाई में एन की पावर जेड। ठीक है, उसके बाद भी आपकी इन्फिनिटी तक गई हुई है तो वो आप इसमें डिफाइन कर लेंगे, आप एन यहाँ पे लिख दिया एन इन्फिनिटी पे गया हुआ है तो बता देंगे इसमें। तो अब ये वाली देखो आपके पास क्या है आपका जीटा फंक्शन है, हम कह रहे हैं ये वाला जीटा फंक्शन आपका क्या है कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली इन एनी बाउंडेड क्लोज डोमेन, कि आपके पास कोई क्लोज डोमेन है उसके अंदर ये फंक्शन आपका क्या करेगा आपका यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब जीटा फंक्शन बोल रहा है कि आपका क्या एनालिटिक है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है कहाँ, रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन, कि रियल ऑफ जेड आपका क्या है ग्रेटर देन वन रहेगा तो आपका फंक्शन जो है आपका रीमान जीटा फंक्शन क्या रहेगा एनालिटिक फंक्शन। ये हम अब बता प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे जीटा फंक्शन बन जाएगा यानी कन्वर्ज बन जाएगा एनालिटिक होगा। एनालिटिक के लिए आपको क्या दिखानी है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिखा दें कि आपके पास ये क्या हो कन्वर्ज, कि आपका जीटा फंक्शन आपके पास क्या है आपको पता है समेशन वन बाई में एन की पावर जेड है एन इजिकल टू वन से इन्फिनिटी, तो यू एन कोई फंक्शन ले ले वन बाई में एन की पावर जेड। ठीक है, इस यू एन का आपने मॉडुलस किया वन बाई में एन की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको खोल दिया, यहाँ पे क्या किया एन की पावर माइनस आयोटा वाई को ऊपर लेके गई एन एक्स को नीचे रख दिया। ठीक है, फिर आपको पता है एन की पावर माइनस में आयोटा वाई क्या हो जाएगा वन, क्यों, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस में। ठीक है, अब इसको ई रेज टू पावर या तो क्या लिख सकते थे लोग एन की पावर माइनस में आयोटा वाई ये, क्योंकि ये वन बन जाएगा तो ये जी टी, अब इसको फिर से किस में लिख सकते हो आप पावर में आपकी माइनस में आयोटा वाई लोग ऑफ एन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला ई रेज टू पावर माइनस में आयोटा थीटा होता है उसका मॉडुलस वैल्यू क्या होती है वन, तो इसके ऊपर ये कुछ भी वैल्यू आए आपकी ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू वन, तो इसका मतलब है कि आपके पास यू एन क्या है वन बाई में मॉडुलस ऑफ एन एक्स, ये आ गया आपके पास un की वैल्यू क्या आ गई कि आपका un क्या आ गया आपके पास 1 बाई में एन एक्स लिख सकते हो, क्योंकि x को क्या बोला है कि ये आपका क्या है ग्रेटर देन 1, क्योंकि रियल ऑफ z आपका क्या आ जाएगा x वो क्या है ग्रेटर देन 1, और ये देखो जैसे ही x आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपने एक p टेस्ट पढ़ा है, p टेस्ट में क्या था कि 1 बाई में n की पावर p और p इज ग्रेटर देन 1 है तो इस तरीके की जो भी सीरीज है आपकी वो क्या करेगी कन्वर्ज, तो ये भी आपका क्या करेगा कन्वर्ज, अब मॉडुलस है तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज, यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गया तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका रीमान जीटा फंक्शन क्या है आपका एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये यहीं तक है, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।